वालेकुम वेलकम बैक इस वीडियो में हम तीन से छः माह के बच्चे का कुर्ता पजामा कटिंग करना सीखेंगे कितना फैब्रिक लगेगा और क्या साइज़ रखेंगे सब डिस्कस होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह से मैंने लोन का ये फैब्रिक ले लिया है सबसे पहले हम यहाँ नीचे से तेरह इंच पर एक निशान लगा लेंगे कन्नी वाली साइड आप देख सकते हैं साइड की तरफ है यहाँ से तेरह इंच पर निशान लगा कर हमने इसको सीधा ही कटिंग कर लेना है अच्छा तीन से छः माह के बच्चे के लिए एक गाज़ कपड़ा काफ़ी होता है ये लोन का फैब्रिक है और मैंने एक गाज़ लिया है एक गज़ में बहुत खुला डुला एक बच्चे का ड्रेस तैयार हो जाता है अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और जो अरेब वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी उसको भी कटाई करके निकाल लेंगे ये देख सकते हैं लोन में इसी तरह अक्सर अरेब आ जाती हैं अब इसको अच्छे से आयरन करना है और दरमियान की तय भी बिठा लेनी है इस तरफ भी अरेब है तो इस तरफ भी तो मैं ऐसा करूँगी जो एक्स्ट्रा ऊपर अरेब वाला फ़ैब्रिक है सिर्फ उसी को कटिंग करूँगी सारा नहीं कट करूँगी क्योंकि जब हम कंधे की कटिंग करते हैं तो वैसे भी थोड़ी सी रेप शेप बाद में बना लेते हैं तो ये इसी में निकल जाएगी यहाँ से पाँच इंच पर रखूँगी मैं एक निशान लगा दूंगी और दूसरी तरफ से साढ़े पांच कंधे की कटिंग लेंगे अच्छा अब ऊपर से मैं इसकी कटाई नहीं करूंगी क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से पहले ही ऑलरेडी अरेब में था तो मैंने कटिंग की थी अब इसकी टोटल लेंथ हमने चेक कर लेनी है टोटल लेंथ मैं 16 इंच इस कुर्ते की रखने जा रही हूँ तो उसके लिए मैं 18 इंच पर निशान लगाऊंगी दो इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे नीचे से भी फोल्ड होगा ऊपर से भी सिलाई में जाएगा तो दो इंच फैब्रिक हमारा लग जाएगा ये जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटाई करके निकाल लेंगे ये वाला फैब्रिक हमारा कहीं ना कहीं लग जाएगा बैन वगैरह में या कहीं पट्टी बनाते वक्त इसलिए इसको साइड पर कर लेते हैं तो अभी ये दो पीस हमारे पास बैक और फ्रंट के हैं यहाँ पर सात इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी यहाँ तक हमारा चाक आएगा यहाँ हल्का सा कट लगा लिया निशान भी लगा लूँगी इससे हमें आइडिया रहेगा कि यहाँ तक हमारे चाक आने हैं अब बैक का फैब्रिक अलग कर लेंगे और फ्रंट अलग कर लेंगे यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा मैं डीप करूँगी कंधे को अंदर की तरफ हल्का सा बहुत ज़्यादा नहीं करना इस तरह से अब इसके बाद हमने अपने गले की कटाई कर लेनी है ऊपर से चुराई हमने तकरीबन डेढ़ इंच रखनी है यहाँ पर मैं बताती ही चलूँ कि छोटे बच्चे जो तीन से छः माह के बच्चे होते हैं उनको बैन वगैरह नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनकी गर्दन काफ़ी छोटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा चुपती हैं हमेशा कोशिश करें कि छोटे बच्चों के गोल छोटे छोटे से गले ही बनाया करें बैन एक साल के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको सही लगता है नीचे से दो इंच पर रखते हुए इस तरह से मैंने कटाई कर ली है यहाँ से पहले मैं पाँच इंच पर एक निशान लगाऊंगी और एक निशान मैं साढ़े पाँच इंच पर लगाऊंगी आधा इंच नीचे पाँच इंच तक तो हम इसको दरमियान में से इस तरह कट कर लेंगे इस तरह से इस तरह कट करके हल्का सा इस तरह भी एक कट लगा लेंगे कुछ इस तरह मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ शर्ट ये देखिए इस तरह से इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम बैन पट्टी लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा ये जो हमने नीचे से ए, उतारा था यहाँ पर ये भी ये लग जाएगा इसको डबल फोल्ड करके लगा लेंगे ये देखें ये डबल फोल्ड है इस तरह लगा के जब इसको सिलाई लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा और दूसरी तरफ हम बुकरम लगा कर बैंड पट्टी तैयार करेंगे अब बैक साइड का गला कुछ इस तरह से बनाना है कि जो फ्रंट का हमने गला कट किया है उसी को इधर रखते हुए निशान लगाएंगे नीचे से आधा इंच ऊपर तक लगाएंगे फ्रंट वाला हमने दो इंच डीप रखा है बैक वाला हम तकरीबन डेढ़ इंच या इससे थोड़ा सा कम ही डीप रखेंगे ये अब दोनों पीस हमारे कट के तैयार हो चुके हैं अब इसके बाद ट्रोज़र की बाड़ी आएगी तो उसके लिए भी ये पीस जो एक में से बाकी का बचा है उसको लेंगे इसकी टोटल लेंथ तकरीबन उन्नीस इंच है यहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी तो ये इसको हम 16 इंच पर रखेंगे ऊपर से डेढ़ इंच फोल्ड होगा हमारा जो लास्टिक में जाएगा और नीचे से भी पाँचे में फोल्डिंग के बाद ये 16 इंच रह जाएगा यहाँ से आसन का निशान दस इंच पर लगाया है और नीचे से पाँचे का निशान हम 5 इंच पर लगा लेंगे तैयार होने के बाद ये तकरीबन हमारा साढ़े के करीब रह जाएगा आधा आधा इंच हमारा सिलाई में भी आएगा तो इस तरह से हम अपने पजामे की कटिंग कर लेंगे ये वाले जो पीस बच गए हैं ये हमारे बैंड पट्टी लगाने में काम आ जाएंगे अब नीचे से इसको कट करके दो पीस अलग अलग कर लेंगे अब ये फैब्रिक बचा है बस हमारे पास जिसमें से हमने अपने बाजुओं को तैयार करना है एक में से ये तकरीबन टोट तो पूरा सारे सात इंच के करीब है तो सात इंच पर हमने बाजू तैयार रखने हैं तो इसके लिए अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए नीचे थोड़ा सा अलग से फैब्रिक लगा लूँगी क्योंकि लंबाई एक इंच कम है सात से आठ इंच बाजू का साइज़ लंबाई में काफ़ी होता है छः से तीन माह के बच्चे के लिए या दरमियान का कट लगा लेंगे तो हमारे बाजू भी तैयार हो गए हैं कट कर पजामा भी और कुर्ता भी उम्मीद करती हूँ आपको ये कटिंग पसंद आई होगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपको समझने में आसान रहा तरीका या मुश्किल लगा वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज़